रोको भाई रोको, क्या बात है, दो दो हीरो एक साथ। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। आपने नहीं देखा, पर मैंने आपको अच्छे से देखा, बराबर देखा, आपको पहचान भी लिया मैंने। कैसे हो? पहचान लिया? आप जानते हो क्या मुझे? अरे आपके पापा को जानते हैं हम, इसलिए आपको भी पहचान लिए हम, काफी अच्छे मित्र रहे हैं हमारे वो। अच्छा, आप पापा को जानते हो? अरे सही है ना, ये जान पहचान वाले निकल गए, इनको बोलना चलान ना काटे। हाँ तूने सही कह रहा। आप सर, आप तो पापा को जानते ही हो, और देख लो यार चलान मत काटना प्लीज। वो क्या है ना, थोड़ी जल्दी हो रही थी, इस वजह से रॉन्ग आ गया, अगली बार से ध्यान रखूंगा मैं। चलान और आपका? अरे भैया क्या बात कर रहे हैं आप, कैसा मजाक कर रहे हैं। आपसे कहा ना हमने कि आपके पापा जी हमारे अच्छे मित्र थे, तो आप हमारे जानने वाले हुए ना, तो ये रोड भी आपकी हुई ना, आपके मन में जो आया वो कीजिए। आप रॉन्ग वे आइए, आप हेलमेट मत पहनिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपका चलान हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप बेफिक्र लीजिए। भाई यार मानना पड़ेगा यार, तेरे पापा की तो तगड़ी बातचीत है, इतनी ईजिली छूट गए हम। पर मुझे भी तो आज ही पता चला है कि पापा की इतनी बातचीत है लोगों के साथ, और अच्छी बात तो है, आगे ही कभी फंसे तो ऐसे निकल जाएंगे। अब सर हम ना चलते हैं, वो थोड़ा लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए, पर हाँ आपसे ना एक बात कहूँगा मैं, आपको देख के ना मुझे उनकी याद आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम पर्सनैलिटी है आपकी, वही शक्ल वही लिबास पहनने का, कितनी बार मिले हम, कितनी अच्छी यादें साथ में हमारी, बहुत ही अच्छे आदमी थे वो। थे? हाँ थे, अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने उनको जल्दी याद कर लिया। आज सुबह ही उनकी फोटो को मैं नमन करके आ रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो सर आप, मेरे पापा तो जिंदा है, सुबह में उनके साथ बैठा हुआ था, हम दोनों साथ में बैठ के चाय पी थी, क्या बोले जा रहे हो आप या नाम सर आप? तिलक जी जिंदा है? तिलक जी कौन? तिलक जी पापा आपके? मेरे पापा? मेरे पापा तो शर्मा जी हैं। शर्मा जी कौन है? मेरे पापा। तो तिलक जी के पापा नहीं है? नहीं। मतलब कि ये रोड अभी बाकी नहीं है, और फिर भी आप इस रोड पे रॉन्ग वे आ रहे हो बिना हेलमेट के। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं लेट हो रहा था, इसी वजह से रॉन्ग आया। बताइए, मैं कहाँ का सोच रहा था कि आपकी बाप की रोड है, तिलक जी आपके पापा जी हैं, पर नहीं आप तो कोई और ही हैं, तो मैं आपका चलान कैसे ना काटूं, क्यों छोड़ दूं आपको मैं? चलान क्यों काट रहा हूं, यही पास में ही जाना है हमने। अरे शर्मा जी, आपको चाहे पास जाना हो चाहे दूर जाना हो, गलती आपने की है ना, रूल सबके लिए बराबर है, और गलती का भुगतान आपको करना पड़ेगा, चलान तो आपका कट के रहेगा। सुजीत इनका चलान काटो। भाई गजब ट्रैफिक पुलिस वाला था, बेइज्जती भी मार दी और चलान भी काट दिया। नाम बताओ अपने बाप का। क्यों, तरीका अच्छा है ना समझाने का, अब क्या करें, कुछ लोगों को लगता है कि ये रोड उनके बाप की है, तो जब चाहे तब नियमों का उल्लंघन करते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, बात नहीं मानते हैं, और आपको तो मालूम ही है कि ये रोड सरकार की है, तो क्यों ना नियम भी सरकार के ही फॉलो हों। तो प्लीज़ आप भी समझे इस बात को, नियमों का पालन करें, उनको फॉलो करें, और ड्राइव सेफ करें। चलता हूँ मैं।